potato wedges and sauteed mushrooms. पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जो पार्ट टू मूवी है वो वहीं पे बनाया गया है, तो वो जगह मैं आज देखने जा रही हूँ. कैरिबियंस में ये डोमिनिका सबसे ग्रोथ वाला देश बोला जाता है. Potato wedges and sauteed mushrooms, baked beans, chicken and turkey sausage, and here we have our coleslaw. Turkey sausage, take it. We also have eggs, pancakes, waffles, and French toast, which are all on order. ये है टर्की सॉसेस. पोटी ऐसा लग रहा है. ये भी लिया साथ में, फ्री का खाना है ना. सो डोमिनिका में ना एक बहुत फेमस जगह है जो इंडियन रिवर बोला जाता है. पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जो पार्ट टू मूवी है वो वहीं पे बनाया गया है, तो वो जगह मैं आज देखने जा रही हूँ. Hello my friends. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. और डोमिनिका ना ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, मतलब छोटा सा ये आइलैंड है. ये भी एक कैरिबियन आइलैंड ही बोला जाता है. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं ये डोमिनिका में. पूरा कैरिबियंस में ये डोमिनिका सबसे ग्रोथ वाला देश बोला जाता है. एंड यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 72,000 है होंगे यहाँ के पॉपुलेशन. और एरिया लगभग होगा 750 स्क्वायर किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है. और इसको ना कैरिबियन कंट्री ऑफ नेचर भी बोला जाता है, क्योंकि ये हर जगह पे देखोगे ना पेड़ पौधे पत्ते ऐसे ही मिलेंगे आप लोगों को. और डोमिनिका में एथनिक ग्रुप के बात करें तो 75% लोग यहाँ पे अफ्रीकन्स होते हैं, एंड 20% हो गया मिक्स्ड लोग है वहाँ से बहुत ही. एंड बाकी का जो बचा 4-5% वहाँ पे यहाँ का लोकल लोग जो होता है ना कलिंगो लोग, वो लोग हैं. और यहाँ पे अगर रिलीजन की बात किया जाए 95% लोग यहाँ के क्रिश्चियन होता है ज़्यादा देर. और ये क्या बोलते हैं बारबाडोस में भी क्रिश्चियन लोग ही ज़्यादा था. यहाँ पे ज़्यादा देर ये सब कैरिबियन आइलैंड में ज़्यादा देर लोग क्रिश्चियन ही होते हैं, एंड ब्लैक लोग होते हैं, काले लोग होते हैं यहाँ पे अफ्रीकन्स है ना. डोमिनिका को इंडिपेंड मिला था 1 मार्च 1967 को. सारे गाड़ी यहाँ पे मैंने हर जगह पे देखा है, सेंट लूसिया बोलो, बारबाडोस बोलो, डोमिनिका बोलो, सारे लोग राइट हैंड ड्राइविंग है. जैसे कि हम लोग इंडिया में गाड़ी चलाते हैं ना वैसे है, राइट हैंड ड्राइविंग है और रोड के लेफ्ट साइड में चलाता है ये लोग गाड़ी. सारे लोग ये देखो, इससे हम लोग कान खुजली करते हैं. इसको तो उठा के लेके जाएगा एक. ओह शिट, मैंने मेरा टिकट गिरा दिया यार, कैसे चली जाती मैं. ये है वो टिकट. मैंने टिकट यहाँ पे गिरा के ऐसे ही जा रही हूँ. ओह माय गॉड, ये बिना टिकट के जाने नहीं देंगे ये लोग. शिट. हेलो, व्हाट्स योर नेम? हाँ, योर नेम.
हेलो ये वो घर है जिसमें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 2 मूवी बनाया गया था। ये मूवी बनी थी 2006 में, तो उस हिसाब से हो रहे 18 इयर्स, तो काफ़ी पुराना घर है ये। थोड़ा सा रिस्की है, टूट भी सकता है ये घर। बहुत गंदा है, नहीं जा सकती। सांप वाप है तो काट देंगे मेरे को। बहुत खतरनाक है यार ये जगह, बहुत खतरनाक है। ओह शिट, ओह मैन, ये देखो कितना टूटा फूटा है सामने भी, इससे दूर से अच्छा है। तो इंडियन रिवर के अंदर ना एक बार एंड रेस्टोरेंट बना हुआ है, मतलब यहाँ पे आके लोग चिल विल दारू वारू पी सकते हैं, मस्त ना। ये ना कितना प्यारा सा फिश एंड बर्ड कुछ कुछ ना ये इसने बनाया है मेरे लिए, सो गुड। तो हिलता भी नहीं है, ही स्लीपिंग। हेलो, अच्छा तो पहले वाला फीमेल था, ये मेल है यार, ही स्लीपिंग, लेट्स गो। तो मैं जा रही हूँ मेरे होटल के तरफ, और बाहर बहुत ही गर्मी हो रहा है, तो मैं मेरा वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।